करें, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप आए और हमें टाइम दिया। मैं जो है अपने तमाम पाकिस्तान के भाइयों, मुस्लिम भाइयों को, सबको मैं जो है ईद मुबारक कहता हूँ। और मैं ये मेरा ये पैगाम होगा ईद के लिए कि जिस तरह इस ईद में सब्र तहम्मुल का दस देते तो इसी लिए मैं ये कहूँगा कि हम सब्र तहम्मुल के साथ जो भाईचारा है उसको हम आगे लेके जाएं। और मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी मुसलमान भाइयों हैं, जितने भी हमारे जिन्होंने रोज़ा रखा है, नमाज पढ़ी है, तो उनको मैं ये भी कहूँगा कि हमारा जो इस्लाम है उसने हमेशा भाईचारे मोहब्बत का दर्स दिया है। और हमेशा जो है जो अनासर हमारे मुल्क हमारे इस्लाम को जो है वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन ये जो रोज़ा है, नमाज है, ये तमाम चीज़ें इनको जो है काउंटर करता है। तो सियासी सूरत हाल तो ये जिस तरह अप्रैल गुजरा और अभी मई आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि शायद हो सकता है कि ये 2-3 महीने में जो है इलेक्शन का ऐलान हो। लेकिन इलेक्शन का सबसे बड़ा मसला जो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये इलेक्शन जो पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं, इसकी फंडिंग फॉरेन फंडिंग होती है, जिसमें UN और बाकी जो ममालिक हैं वो इसकी फंडिंग करते हैं, ताकि यहाँ पे एक जो है प्रॉपर जो है एक इंतखाबात होंगे जिसमें धांधली ना हो, दूसरी चीज़ों। तो वहाँ के उन्होंने कहा है कि हम आपको हर 5 साल के बाद जो है इलेक्शन का जो पैसा देंगे, क्योंकि हर दूसरे आप ये देखेंगे कि आज तक कोई भी जमहूरी हुकूमत अपना टाइम मुकम्मल नहीं की। तो इस दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि हम आपको जो है हर 5 साल के बाद जो टाइम होता है उसके लिए हम फंडिंग करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि हम इलेक्शन की तरह रवा दवा हैं, और ये हो सकता है कि ये 6 महीने के अंदर एक कोई नई चेंजिंग आए, तब्दीली आए और हम इलेक्शन की तरफ जाएँ। क्योंकि इसके सबसे बड़ा मसला जो आप देखेंगे, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत गई, बेरोज़गारी और जो है महंगाई, तो ये अभी तक बरकरार है। डॉलर कुछ दिनों में नीचे आया लेकिन दोबारा वो अपने जो है उसी मकाम पर दोबारा पहुँचा। तो मैं ये कहूँगा कि लोग भी अभी ये चाहेंगे कि वो जो है इलेक्शन की तरफ जाएं और अपने जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब करें, ताकि इस मुल्क में जो बेरोज़गारी है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जो मायूसी है, वो ख़त्म। देखें जी, अगर आप इसकी बात करते हैं तो हमारा जो ये कवाली निज़ाम इसको कहते हैं, या हमारा जो माशरती निज़ाम कोटा में चल रहा है, ये 600 साल से हमारी यही चीज़ें चलती हुई आ रही है। लेकिन कुछ अरसे से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ अरसे से हमने, या शायद महंगाई की वजह से या अपने हालात की वजह से, क्योंकि हमारे जो मुखीर हजरात हैं उन्होंने भी अपना हाथ जो है रोक के रखा हुआ है, तो इसका मैं इनसे ये पैगाम करूँगा कि इनको ये पैगाम भी दूँगा। और जिन मुखीर हजरात ने इस रोज़ों में हमारे गरीब लोगों की मदद की है, उनको जो है राशन कपड़े वगैरह की उनकी जो मदद की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे दूसरे मुखीर हजरात हैं जो कर सकते हैं, मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि ये सूबा, ये मुल्क, ये शहर हमारा है, हम सब ने बैठ के इसको जो है आगे लेके जाना है। तो मैं एक चीज़ों से वो भी कहूँगा कि जिस तरह राशन देना या कपड़े देना, ये ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन हमने मिल के कोई इस तरह की पॉलिसी बनानी है कि हमारे जितने भी यहाँ पे बेरोज़गार लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जो है ज़रूरत ना पड़े।